आज बस मस्ती मस्ती हो रही है, काम तो हम कर ही नहीं रहे। अच्छा कैमरामैन जी आप बताइए, अगर आपकी बहन किसी के साथ भाग जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली जो इन्होंने रिएक्शन दिया है ना, रिएक्शन है, वो हंस रहे हैं कैमरे के पीछे। भाई ऐसा भाई कोई नहीं बना इनके जैसा, भगवान करे सबको मेरे जैसा भाई ही मिले। मतलब ये तो हंस रहे हैं, इनकी बहन किसी के साथ भाग जाए तो शर्म करो यार। नहीं अगर तो एग्जैक्टली जो उनका रिएक्शन है, एलडी कोई गलत बोल रहा है, पर जो उन्होंने जो रिएक्ट किया एग्जैक्टली वही हो रहा है और एलडी उसी तरह रिएक्ट कर रहा है। जानवी जो है वो गर्मा गर्मी में घर से भाग गई, आई मीन घर से भाग गई है अभिषेक के साथ। तो हमें पता चला है कि अभिषेक जानवी को लेकर मंदिर आया है, पर हमें पता नहीं कि कौन सी मंदिर गया है। तो हम मैं और एलडी निकल पड़े हैं जानवी को और अभिषेक को ढूंढने। जी मैं एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एलडी इस सिचुएशन को थोड़ा कामली हैंडल करे, क्योंकि उसने भी ये सारे इमोशंस है जो उसने भी एलडी ने भी ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस किए हैं, पर फिर भी एलडी ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो राधा के लिए थोड़ा ये है कि प्लीज़ एलडी थोड़ा तो समझो उसे, और तुम भी जानते हो कि जब इंसान प्यार में होता है तो उसे क्या फील होता है, वो क्या इसे गोथ्रू करता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एलडी समझे इसे और थोड़ा कामली हैंडल करे, जो उसने नहीं किया तो आगे एलडी बताएगा। देखिए मैं लड़के से अभी तक मिला नहीं हूँ, पता नहीं मेरी बहन भाग गई है, बहुत छोटी है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी बहन के लिए। तो एक भाई का आई थिंक ऐसे रिएक्शन होगा कोई भी बहन के लिए, किसी छोटी बहन अगर भाग जाए बिना कुछ सोचे समझे, लेटर छोड़ के भाग गई घर पे, सब लोग घर पे बहुत टेंशन है। इतना ये तो मुझसे आके बात कर, मुझसे भी आके उसने बात नहीं की, मैं तो हमेशा उसका साथ देता हूँ ध्यान देता हूँ, बट उसने मुझे भी ट्रस्ट नहीं किया और सीधा भाग गई। तो ऑब्वियसली थोड़ा गुस्सा तो है ही, पता है मुझे उसने प्यार के उसमें किया, बट बचकानी हरकत भी हो सकती है। तो पहले लड़के के बारे में पता होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो अभी तक यही पता लगा है कि लड़का भी इन्वॉल्व लेके भाग भूक गया है, तो गुस्सा तो आएगा ही यार। तो मैंने रिएक्ट कर दिया एक भाई की तरह। जी फिलहाल तो यही है कि जानवी भाग गई है घर से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसे सेफली घर लाए और जयश्री चाची से बचाए, क्योंकि जब जयश्री चाची तो आपको पता है कैसी है। तो मतलब यहाँ तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ जानवी पर, घर जाके मुझे भी जानवी की साइड लेनी पड़ती, चाची इतना रिएक्ट कर रही है, चाची रिएक्ट इतना कर रही है, करेक्ट। तो उसी के साथ साथ राधा के लाइफ में एक और टर्न आया है कि कबीर सर को, तो आपको पता है कि कबीर सर को मुझ पर शक है, तो उन्होंने अचानक से कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कराया और मुझे उसके लिए उस पर साइन करने के लिए बुलाया, तो मुझे पता नहीं क्या है वो, तो वो टर्न हो सकता है। बट आई एम जस्ट होपिंग एंड फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतें हैं मेरी लाइफ में, एक और मुसीबत नहीं चाहिए मुझे। जी यही कहना चाहेंगे कि बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और जो आपको पसंद आएंगे और जो आप इंजॉय करेंगे साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ, तो प्लीज़ देखते रहिए। जी आप ही के लिए मेहनत हमारी चालू है और आप उसको सराहते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, तो वो बहुत अच्छा लगता है एंड हम उसी के चक्कर में ट्विस्ट एंड टर्न्स और ला रहे हैं शो में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है शूट करने में। एग्जैक्टली इतनी धूप में, इतनी कड़ी धूप में रात को 12 बजे, सुबह 12 बजे 2 बजे हम शूट कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन एक्चुअली जेन्युइनली आपसे मिलता है इतना हार्डवर्क करने के लिए, सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And passing movement action. क्या
एंड जस्ट आगे खड़े हुए एंड दोनों तीनों पार्टी आगे खड़े हो एंड जलेगा फला कल सर वो माइक में हवा लग रहा है जलेगा नहीं, नहीं आपका नहीं, आपका नहीं।